हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम थर्ड स्टैंडर्ड का मैथ्स करेंगे। पेज नंबर 1-4 पर जितनी भी एक्टिविटीज़ या टॉपिक्स दिए हैं उन सबको आज हम कवर करेंगे। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले पेज नंबर 1 पर आपके दिया गया है इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स। तो बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले आपको थोड़ा सा रिविजन के लिए दिया गया है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इससे पहली क्लास में आपने क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल और सर्कल के बारे में पढ़ा हुआ है, तो आज हम उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको क्वाड्रिलेटरल्स कहा गया है। तो क्वाड्रिलेटरल के शेप्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर आपको फोर कॉर्नर्स और फोर साइड्स होते हैं। तो रेक्टेंगल भी आप क्वाड्रिलेटरल कह सकते हो और स्क्वायर को भी आप क्वाड्रिलेटरल कह सकते हो। बस आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि इसके फोर साइड होते हैं। कितने साइड होते हैं, देखो यहाँ पर आपको नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए कि जो आपको लिखा गया है क्वाड, क्वाड का मतलब क्या होता है, फोर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जहाँ पर भी आपको फोर साइड और फोर कॉर्नर्स दिखें तो वहाँ पर आप समझ जाइए कि ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, नेक्स्ट वाला हमें बताया गया है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स कैसे होते हैं बच्चों, जिसमें आपको थ्री कॉर्नर्स और थ्री साइड्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल्स। तो हो सकता है दिखने में वो अलग दिखें, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि उसके अंदर थ्री कॉर्नर्स और थ्री साइड्स होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखो यहाँ पर आपको थ्री कॉर्नर्स दिख रहे हैं, 1, 2, 3। इसमें भी देखो 1, 2, 3। तो ये दिखने में देखो इससे अलग है, बट ये भी आपका ट्राइंगल ही कहा जाता है। अब नेक्स्ट है आपका सर्कल। तो सर्कल बच्चों बहुत ही इजी होता है, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। जो राउंड होता है, जो बॉल के शेप का होता है, जो राउंड होता है उसको हम सर्कल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों आपको कहा गया है, लुक एट द पिक्चर्स बिलो, आइडेंटिफाई द ज्योमेट्रिकल फिगर, ड्रॉ इट एंड राइट इट्स नेम। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हमें पिक्चर दी गई है, उसका जो फिगर है वो यहाँ पर दिख रहा है और हमें नेम भी बता दिया है कि ये रेक्टेंगल है। ठीक है, नेक्स्ट वाला फिगर हमें यहाँ पर दिया गया है, उसका सेम फिगर हमें यहाँ पर बनाना है और उसके बाद में उसका नेम भी हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो देखो ये कैरम बोर्ड है, ये दिखने में कैसा होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये होता है इस तरीके से, स्क्वायर कहते हैं इसको। ठीक है, जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब इसको अगर आप देखो तो ये कैसा दिख रहा है, देखो ये बिल्कुल ट्रायंगल जैसा दिख रहा है। ये है सैंडविच, बट दिखने में देखो बिल्कुल ये ट्रायंगल जैसा दिख रहा है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं और इस वाले बॉक्स में हम ट्रायंगल लिखेंगे। ये आपको कैसे दिख रहा है, ये आपको बिल्कुल क्वाड्रिलेटरल जैसा दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉ करेंगे क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और इस वाले बॉक्स में हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल। ये देखो इसका शेप कैसा दिख रहा है बच्चों, ये है बैंगल। बैंगल यानी चूड़ी, जो आपकी मम्मी या फिर सिस्टर पहनती होंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेते हैं सर्कल इस तरीके से। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे सर्कल, स्पेलिंग यहाँ पर दी गई है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एक्टिविटी आपको यहाँ पर दी गई है, उसमें कहा जा रहा है, ये पिक्चर है और नीचे लिखा है, आइडेंटिफाई द ट्राइंगल्स, सर्कल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स इन द पिक्चर अबव, कलर द ट्राइंगल्स रेड, यानी जो ट्राइंगल जैसा दिख रहा है आपको इस पिक्चर में उसको आपको रेड कलर करना है। द क्वाड्रिलेटरल्स ब्लू, यानी जो भी क्वाड्रिलेटरल जैसा है उसको हमको ब्लू कलर करना है। एंड द सर्कल्स येल्लो, जो भी सर्कल है उसको हम येल्लो कलर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपको ये एक्टिविटी मैं समझा देता हूँ, आपको वन बाय वन कलर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ट्राइंगल्स कहा गया है। तो देखो ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है ये ट्राइंगल जैसा है, तो इसको आपको कलर करना है इस तरीके से, आपको ये पूरा कलर करना है। ठीक है, और यहाँ पर भी ट्राइंगल है, यहाँ पर भी ट्राइंगल है, तो यहाँ पर आपको रेड कलर करना। एक्टिविटी आपके लिए रहेगी होमवर्क में, मैं आपको जस्ट हाईलाइट करा दूंगा, उसके बाद आप इसको होमवर्क में ले लीजिए। क्या क्या क्वाड्रिलेटरल जैसा दिखता है अब हम उसको देखेंगे, उसमें हम ब्लू कलर करेंगे। ठीक है, तो ये देखो ये आपको जो डोर दिख रहा है ये पूरा का पूरा जो है वो ब्लू कलर करना है, उसमें क्वाड्रिलेटरल जैसा है तो इसको हमको पूरा ब्लू कलर फिल करना है। ये वाला पार्ट भी आपको ब्लू कलर करना है पूरा। ठीक है, ये भी क्वाड्रिलेटरल जैसा है, ये इसको भी आपको ब्लू कलर पूरा करना है, इसी तरीके से ये भी ब्लू कलर करना है, ये वाला पूरा पिलर जो है ब्लू कलर करना है इसको, और जो अपसाइड आपको दिख रहा है ये इसको, और ये डाउन साइड जो आपको दिख रहा है इसको भी आपको ब्लू कलर करना है। ठीक है, सर्कल, तो सर्कल जो जो आपको बचा हुआ है वो सब सर्कल है, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको येलो कलर करना है। ठीक है, ये सब येलो कलर है। ठीक है, बाकी जो भी आपको दिख रहा है वो सर्कल, जो भी राउंड है उसको आपको येलो कलर करना है। तो इस पूरे फिगर को आप होमवर्क में ले लीजिए और प्रॉपरली अच्छे से कलर करिए। पेज नंबर 2 पर आपके कहा जा रहा है,
एजेस एंड कॉर्नर्स। तो अब हमें एज और कॉर्नर के बारे में समझना है। लुक एट दिस पीस ऑफ बर्फी। तो ये जो आपको दिख रही है ये बर्फी है। इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये दिखने में कैसी, कौन से शेप की है? क्वाड्रिलेटरल शेप की है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके फोर एज और फोर कॉर्नर्स हैं, ठीक है। देखो आप यहाँ पर देख भी सकते हो, 1, 2, 3, 4, ये फोर कॉर्नर्स हो गए और ये 1, 2, 3, 4, इसके फोर एजेस हैं, तो इसीलिए इसको हम क्वाड्रिलेटरल कह रहे हैं। अब यहाँ पर देखो हमें पूछ रहे हैं, ऑब्जर्व द सर्फेस ऑफ टेबल। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है, हाउ मेनी एजेस डज द सर्फेस हैव। तो ये टेबल को हमें ऑब्जर्व करना है और बताना है कि इसके एज कितने हैं। तो देखो यहाँ पर ये 1, 2, 3 एंड 4, तो इसके कितने एजेस हैं? इसके फोर एजेस हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हमें पूछ रहे हैं, हाउ मेनी कॉर्नर्स डज द सर्फेस हैव। तो अब देखो यहाँ पर हमें कॉर्नर्स इजीली दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, तो इसके कॉर्नर भी कितने हैं? इसके कॉर्नर भी 4 हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट इज द शेप ऑफ द सर्फेस ऑफ द टेबल। तो टेबल का सर्फेस जो आपको दिख रहा है वो कैसा है? तो देखो यहाँ पर टॉप पे हमें बताया गया है, क्वाड्रिलेटरल हैज फोर एजेस एंड फोर कॉर्नर्स। तो यहाँ पर हमने पहले दो क्वेश्चन का आंसर ही वो दिया है कि एज भी फोर है और कॉर्नर भी फोर है, तो इसका नाम क्या होगा इस शेप का? वो होगा क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर हम थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे? क्वाड्रिलेटरल, QUADRILATERAL, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड का मतलब होता है फोर, ये याद रखना बच्चों, ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट हमें शेप समझना है रेक्टेंगल के बारे में। टेक अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर एज शोन बिलो। तो यहाँ पर देखो आपको एक पेपर लेना है जो रेक्टेंगुलर शेप का होना चाहिए। क्वेश्चन देखो हमें पूछ रहे हैं, हाउ मेनी एजेस एंड हाउ मेनी कॉर्नर्स डज अ रेक्टेंगल हैव। तो बच्चों यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो रेक्टेंगल यहाँ पर दिया गया है, इसके कितने एजेस और कितने कॉर्नर हैं। कॉर्नर यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, और एजेस भी 4 ही हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो हाउ मेनी एजेस एंड हाउ मेनी कॉर्नर्स डज अ रेक्टेंगल हैव। तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों? इसका आंसर रहेगा 4। तो यहाँ पर भी हम 4 ही लिखेंगे। नाउ लेट अस फोल्ड द पेपर इन द मिडल टू ब्रिंग द अपोजिट एजेस टुगेदर। तो यानी अब देखो ये जो आपको दिख रहा है टॉप साइड से, यहाँ से हमें क्या करना है, हाफ इसको फोल्ड कर लेना है, इस तरीके से इसको बैंड करना है, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहे हैं, व्हाट डू वी सी। तो बच्चों जब आप इसको मिडल से फोल्ड कर दोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? द लॉगर साइड फॉल्स एग्जैक्टली ऑन द अपोजिट साइड। तो बच्चों रेक्टेंगल का होता ही ऐसे है कि रेक्टेंगल में आपको अपोजिट साइड सेम होते हैं। अगर आप ध्यान दें तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपको सेम दिखेगी और ये साइड आपको सेम दिखेगी। यानी इसका मतलब क्या है कि अपोजिट साइड सेम होती है रेक्टेंगल में। जैसे हमने स्क्वायर में पढ़ा था, स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में आपकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। यानी अगर हम इसको 4 सेंटीमीटर लेंगे तो इसको भी 4 सेंटीमीटर लेंगे, और ये 2 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा, अपोजिट साइड सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वही बताया जा रहा है कि द लॉन्गर साइड फॉल्स एग्जैक्टली ऑन द अपोजिट साइड। तो ये जो लॉन्गर साइड है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो एग्जैक्टली अपोजिट साइड के इक्वल होगी, ठीक है। द shorter साइड फॉल एग्जैक्टली ऑन द साइड अपोजिट टू। तो ये जो shorter साइड है, ये वाला साइड और ये वाला साइड जो है वो दोनों आपका सेम ही होगा, अपोजिट साइड जो रहेगी उसकी सेम रहेगी। यहाँ पर कहा जा रहा है द अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। वही जो मैंने आपको अभी समझाया कि जो इसका अपोजिट साइड होगा वो सेम होगा। अब बच्चों यहाँ पर हमें नेक्स्ट जो शेप देखने को मिल रहा है वो है स्क्वायर। स्क्वायर कैसे होता है? तो देखो स्क्वायर में जो आपके फोर साइड होते हैं कि वो सेम होती है, ठीक है। यानी अगर आप इसको 4 सेंटीमीटर लेंगे तो इसको भी 4 सेंटीमीटर, इसको भी 4 और इसको भी 4 सेंटीमीटर ही लेंगे, ऑल साइड इक्वल होती हैं, उसको क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। टेक अ लुक एट अ हैंकरचीफ, इट इज अ स्क्वायर। तो ये जो हैंकरचीफ आपको दिख रहा है ये क्या है? ये स्क्वायर है। हाउ मेनी एजेस एंड कॉर्नर्स डज अ स्क्वायर हैव। तो स्क्वायर के पास कितने कॉर्नर्स और कितने एज होते हैं बच्चों? इसका भी आंसर सेम ही है, 4, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो इसके भी कॉर्नर्स 4 हैं, 1, 2, 3, 4, और इसके एजेस 1, 2, 3, 4, तो 4 एजेस और 4 कॉर्नर्स स्क्वायर में भी होते हैं, बट इसके ऑल द साइड इक्वल होते हैं। फोल्ड द हैंकरचीफ इन द मिडल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको फोल्ड करना है, एज वेल एज फ्रॉम द साइड टू साइड टू सी इफ द अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले इस तरीके से जो आपको दिख रहा है ये फोल्ड कर लेना है, और इस तरीके से भी आपको फोल्ड कर लेना है ताकि आप इसको चेक कर सकें कि ये जो आपको लेंथ दी गई है अपोजिट साइड इसकी इक्वल है या नहीं। नाउ वी शैल फोल्ड द हैंकरचीफ एज शोन अलोंग साइड टू फाइंड आउट इफ द कॉर्नर फॉल्स एग्जैक्टली ऑन द वन अपोजिट। तो बच्चों सबसे पहले आपने क्या किया, इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद आपको कॉर्नर से भी आपको फोल्ड करना है और ये देखना है कि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो एग्जैक्टली मैच हो रहे हैं या नहीं। द कॉर्नर्स मैच एंड सो डू द एजेस दैट मेक देम अप। तो यानी अब जब हमने इसको
फोल्ड कर लिया और कॉर्नर से भी हमने इसको चेक कर लिया, तो ये कैसे हैं, इसके एजेस जो हैं वो एग्जैक्टली मैच हो रहे हैं, ठीक है। नाउ फोल्ड द हैंकरचीफ ओवर अगेन, तो आपको क्या करना है, इसको एक और साइड, मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये कट किया है, तो इसको आपको एक और साइड फोल्ड करना है। ऑल द एजेस मैच इन लेंथ, तो आपके जितने भी एजेस हैं वो सब इसमें मैच हो जाएंगे। ऑल एज ऑफ अ स्क्वायर आर ऑफ इक्वल लेंथ, तो जितने भी एजेस इसके दिए जाते हैं स्क्वायर में वो इक्वल होते हैं। अब आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पेज नंबर 3 पर आपके क्या कहा जा रहा है। तो पेज नंबर 2 का जो स्क्वायर हम कर रहे थे उसका कंटिन्यूएशन है ये। नोट दैट वी गॉट अ ट्राइंगल व्हेन वी फोल्डेड द हैंकरचीफ, तो बच्चों जब हमने रेक्टेंगल को फोल्ड किया तो हमें क्या मिला, हमें स्क्वायर मिला। जब हमने स्क्वायर को फोल्ड किया तो लास्ट में हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है ट्राइंगल। तो किस तरीके से बच्चों, देखो एक शेप से हम दूसरे शेप में जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने रेक्टेंगल को देखा, रेक्टेंगल को फोल्ड किया तो हमें स्क्वायर मिला, और स्क्वायर को फोल्ड किया तो हमें ट्राइंगल मिला। यहाँ पर देखो क्वेश्चन हमें पूछ रहे हैं ट्राइंगल में, हाउ मेनी एजेस डज अ ट्राइंगल हैव, हाउ मेनी कॉर्नर्स। तो अब यहाँ पर हमें दो क्वेश्चन पूछा है कि इसके एजेस कितने होते हैं, ट्राइंगल के एजेस कितने होते हैं और ट्राइंगल के कॉर्नर कितने होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आंसर सेम है, वो है 3। 3 एजेस होते हैं और 3 कॉर्नर्स होते हैं। देखो 1, 2, 3 ये कॉर्नर्स हो गए और 1, 2, 3 इसके एजेस हो गए, ठीक है। फाइंड दिस शेप इन योर सराउंडिंग्स, यूज स्टिक्स टू मेक द फॉलोइंग शेप्स। तो आपको बच्चों स्टिक की हेल्प से, जो भी आपके पास घर में अगर मैच स्टिक है या आइसक्रीम स्टिक है, उससे आपको क्वाड्रिलेटरल बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, स्क्वायर एंड ट्राइंगल आपको बनाना है स्टिक की हेल्प से, ठीक है। ये आपके लिए एक्टिविटी रहेगी और इसको आप होमवर्क में ले लीजिए। नेक्स्ट देखो बच्चों, हमें कंप्लीट द टेबल बिलो कहा गया है। तो यहाँ पर आपको कुछ फिगर्स दी गई हैं, इसका हमें नेम बताना है, एजेस बताना है और कॉर्नर्स बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, ये देखो आपको इसमें कितने कॉर्नर्स और कितने एजेस दिख रहे हैं। सबसे पहले हम कॉर्नर्स काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4। तो हम क्या करते हैं, कॉर्नर्स को लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है, ठीक है। अब एजेस को अगर हम देखें तो कितने हैं, देखो 1, 2, 3, 4, एजेस भी हम 4 लिख लेते हैं। अब इसका नेम क्या होगा बच्चों, जिसके 4 एज और 4 कॉर्नर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो इस वाले बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों हमें नेक्स्ट फिगर दिया गया है और इसके हम सबसे पहले एजेस देख लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, तो इसके कितने एजेस हैं, 4, तो यहाँ पर हम 4 लिख लेते हैं। और इसके कॉर्नर कितने हैं, कॉर्नर्स को काउंट करो, 1, 2, 3, 4, तो 4 कॉर्नर्स इसके हैं। अब बच्चों ये भी 4 कॉर्नर्स 4 एजेस वाला है और ये भी 4 कॉर्नर 4 एजेस वाला है, बट इसको हमने क्वाड्रिलेटरल कहा और इसको हम क्या कहेंगे, इसको भी हम क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान दो, तो इसके अपोजिट साइड क्या है, इसके अपोजिट साइड इक्वल है। देखो ये यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ दी गई है, ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, ये लेंथ और ये लेंथ सेम है। तो अपोजिट साइड अगर सेम होते हैं, अपोजिट लेंथ अगर सेम है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रेक्टेंगल कहते हैं, ठीक है। तो इसका नाम हम रेक्टेंगल लिखेंगे, सेकंड वाले बॉक्स में आपको रेक्टेंगल लिखना है। थर्ड वाला जो फिगर हमें दिया गया है, इसमें भी आपको 4 साइड एंड 4 कॉर्नर्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं 4 लिख देता हूँ, ठीक है। 4, 4 इसके साइड है, 4 कॉर्नर्स है। देखो 1, 2, 3, 4 कॉर्नर्स एंड 4 साइड है, 1, 2, 3, 4। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, देखो अगर आप ध्यान से देखें तो इसके जो साइड्स हैं ऑल इक्वल हैं, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा स्क्वायर। नेक्स्ट जो फिगर आपको दिख रहा है उसके 3 एजेस हैं और 3 कॉर्नर्स हैं, ठीक है। और इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है ट्राइंगल। लास्ट वाला जो आपको मैंने समझाया था वो क्या है, वो है सर्कल, और सर्कल में आपको 0 एजेस होते हैं और 0 कॉर्नर होते हैं। आया समझ में बच्चों। पेज नंबर 4 पर आपके कहा गया है हाउ टू मेक अ 5-पीस टैंग्राम। तो टैंग्राम कैसे बनता है बच्चों, ये हमें समझना है। सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है, टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर। तो यहाँ पर आपको एक स्क्वायर पीस का पेपर लेना है जो स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर किसे कहते हैं, जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो अगर आपने 2 सेंटीमीटर का ले रहे हैं तो ऑल द साइड 2 सेंटीमीटर ही लेना है और उसको कट करके आपको लेना है। फाइंड द सेंटर ऑफ द पेपर बाय फोल्डिंग इट ट्वाइस। तो आपको क्या करना है, एक बार अप साइड से फोल्ड करना है और ये साइड से भी फोल्ड करना है। तो फोल्ड करने के बाद आपको इसका सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। ऑल्सो मार्क द सेंटर्स ऑफ ऑल द 4 एजेस। तो आप फोल्ड करने के बाद आपको 4 एजेस मिलेंगे, उसको भी आपको मार्क करना है। जैसे कि ये डॉटेड आपको दिख रहे हैं ब्लैक कलर के, तो इस तरीके से आपको मार्क कर लेना है। अब देखो उसके बाद क्या कह रहे हैं, ड्रॉ लाइन्स टू जॉइन द सेंटर्स ऑफ द साइड्स एंड द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एज शोन इन द पिक्चर। तो जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है उसी तरीके से यहाँ पर आपको लाइन्स ड्रॉ करनी है, एक लाइन इधर पर, एक लाइन इधर पर। तो देखो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, ये डॉट से ये डॉट को आप ज्वाइन करेंगे, यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ये वाला यहाँ से ज्वाइन करेंगे एंड ये सेंटर वाला जो है यहाँ से ज्वाइन करेंगे, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको ज्वाइनिंग करनी है, और वो ज्वाइन करने के बाद आप क्या कह रहे हैं, देखो, नाउ मेक 5 पीसेस ऑफ द स्क्वायर बाय कटिंग अलोंग द लाइंस एज शोन इन द पिक्चर। तो जो जो लाइंस आपने की है उसको आपको कट करना है। देखो, कट करने के बाद आपको इस तरीके से मिलेगा, 5 पीस मिलेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो कटे हुए पीस हैं, इसके बेसिस पे हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उन क्वेश्चंस का हमें आंसर देना है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमें पूछ रहे हैं, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन योर टैंग्रम। तो यहाँ पर आपने जो बनाया ये टैंग्रम आपने बनाया 5 पीस का, तो ये 5 पीस में से आपको कितने ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। तो आप अगर काउंट करें, ट्राइंगल किसे कहते हैं बच्चों, ट्राइंगल उसे कहते हैं जिसमें 3 साइड और 3 कॉर्नर्स होते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये जो फर्स्ट वाला आपको दिख रहा है ये ट्राइंगल जैसा है, नंबर 3 ये भी ट्राइंगल है, और नंबर 4 जो है ये भी ट्राइंगल है। तो कितने मिले बच्चों हमें ट्राइंगल, 1, 2 एंड 3। बाकी देखो, ये तो स्क्वायर जैसा है और ये क्वाड्रिलेटरल है, तो 3 ट्राइंगल्स मिले। तो फर्स्ट वाले का आंसर हम लिखेंगे 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछ रहे हैं, ऑल द ट्राइंगल्स अलाइक, क्या सभी ट्राइंगल एक जैसे हैं। ध्यान देंगे तो देखो, ये वाला ट्राइंगल सेम दिख रहे हैं, बट ये वाला ट्राइंगल थोड़ा सा बिगर है, तो हम क्या कहेंगे, नो। सेकेंड वाले का आंसर रहेगा नो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैन वी ज्वाइन 2 ऑफ द ट्राइंगल्स टू मेक अ स्क्वायर। तो क्या बच्चों हम 2 ट्राइंगल को ज्वाइन करने के बाद एक स्क्वायर बना सकते हैं। तो देखो, ये 1 और 4 वाले को अगर आप ज्वाइन कर लें तो आपका स्क्वायर बन सकता है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, यस, हम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैन वी ज्वाइन 2 ऑफ द ट्राइंगल्स टू मेक अ बिग ट्राइंगल। तो देखो, क्या हम 2 ट्राइंगल ज्वाइन करने के बाद एक बड़ा ट्राइंगल बना सकते हैं। तो यहां पर हम इसको लिखेंगे यस। देखो, लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन दिस टैंग्राम। तो कितने स्क्वायर हैं बच्चों, यहां पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कितने स्क्वायर्स हैं टैंग्राम में, तो 1 है, तो 1 लिख देता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, तो इसीलिए मैं यहां पर इसका आंसर लिख रहा हूं, और आगे यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर इसके नीचे लिखूंगा। तो आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल्स। तो कितने स्क्वायर और कितने क्वाड्रिलेटरल हैं। देखो, यहां पर मुझे 1 स्क्वायर दिख रहा है इसलिए मैंने 1 लिखा, और कितने क्वाड्रिलेटरल हैं, तो क्वाड्रिलेटरल कितने हैं बच्चों इसमें, यहां पर अगर आप देखें तो ये एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, और ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर को भी हम क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के भी 4 साइड 4 कॉर्नर होते हैं, और ये जो आपको दिख रहा है ये भी 4 साइड और 4 कॉर्नर वाला है, तो इसको हम 2 लिखेंगे, 2 क्वाड्रिलेटरल्स में हमें दिख रहे हैं। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, पिक्चर बिलो आइडेंटिफाई द फिगर्स ड्रॉन ऑन द डॉटेड पेपर। तो यहां पर देखो, कुछ डॉटेड में आपको फिगर्स दिए गए हैं, कलर द ट्राइंगल्स रेड, ट्राइंगल को रेड कलर करना है, स्क्वायर को ब्लू कलर करना है, और रेक्टेंगल को ग्रीन कलर करना है, ठीक है बच्चों। ट्राइंगल्स को हमें रेड कलर करना है, तो चलो जल्दी जल्दी कलर निकालो, और जो जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है उसमें आपको रेड कलर करना है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, हमें स्क्वायर को ब्लू कलर करना है। तो बच्चों, स्क्वायर क्या होता है, जिसके ऑल द साइड इक्वल होते हैं। तो ये वाला स्क्वायर है क्या, नहीं, ये वाला रेक्टेंगल है। देखो, इसके अपोजिट साइड इक्वल है बट ऑल द साइड इक्वल नहीं है। तो ये वाला देखो, आपको जो दिख रहा है ये है स्क्वायर, तो इसको हम ब्लू कलर करेंगे। स्क्वायर को हमें ब्लू कलर करने को कहा गया है, ठीक है, अच्छे से करना है बच्चों कलर। तो जितने भी स्क्वायर्स थे बच्चों उसको हमने कलर कर लिया। अब जितने भी रेक्टेंगल बचे हैं उसको हमें कौन सा कलर करना है, ग्रीन कलर। तो ये देखो, जो भी बचे हैं वो सब रेक्टेंगल है, उसे हम ग्रीन कलर करेंगे। बच्चों, रेक्टेंगल किसे कहते हैं, जिसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, उसे हम रेक्टेंगल कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। आई होप बच्चों ये वीडियो आपको समझ आया होगा, बहुत ही इजी और आसान तरीके से मैंने आपको समझाया। ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।